हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। फ्रेंड्स, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है, बनाना भी आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये झटपट बनकर भी तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात है कि इसे आप चाहे तो साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना दीजिए और सालों भर ये अच्छी रहेगी। और इसे बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे क्योंकि इसका जो खट्टा मीठा स्वाद होता है बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए, इस चटनी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आम लिया है और आधा किलो आम में ये तीन बड़े साइज़ के आम हुए हैं। आमों को हम जब खरीदते हैं ना, तो इसे इस तरीके से हमें दबा कर चेक कर लेना होता है। आप चटनी बनाते समय सॉफ्ट आम का यूज़ बिल्कुल ना करें। आम जब कड़ा हो आप दबा कर इसे चेक कर लें, तब आप वही आम चटनी बनाने में आप यूज़ करें। और यहाँ पर हमने आम को अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने के बाद इसे हम अच्छे से एक सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। और पोंछने के बाद इसे हम एक प्लेट पर रख कर पंखे के नीचे 2 से 3 मिनट तक इसे रखेंगे ताकि ये जो आम है वो अच्छी तरीके से सूख जाए, क्योंकि इसे अगर आपको सालों भर स्टोर करना है तो इसमें नमी बिल्कुल ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आम अच्छे से सूख गए हैं। तो छीलने के पहले जो ऊपर के डंठल होते हैं ना, उसे पहले हम हटा देंगे। तो इस तरीके से काट कर हम तीनों आम के ऊपर वाले भाग को हम हटा देते हैं। अब चलिए इस आम को हम छील लेते हैं। तो इसी तरीके से तीनों आम को हम छील लेंगे। और जब चटनी आप बनाते हैं तो बड़े साइज़ के ही आम का आप यूज़ करें। तो बड़े आम का यूज़ करने से बहुत फ़ायदे हैं, जैसे आपको छीलने में आराम होगा, फिर इसके बाद आपको जो ग्रेट करना है इस आम को तो उसमें आपको आसानी होगी, और फिर जो बड़े साइज़ के आम होते हैं वो जूसी होते हैं, जिससे चटनी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने तीनों आम को छील लिया है। छीलने के बाद हमने एक ग्रेटर ले लिया है, इसमें देखिए 2 साइज़ के ग्रेटर है, ये बड़े साइज़ इधर छोटे साइज़। तो हमको छोटे साइज़ के ग्रेटर से ही आम को ग्रेट करना है क्योंकि इसके बहुत मोटे मोटे लच्छे हमको नहीं निकालने हैं। तो जिस तरफ छोटे लच्छे हैं ग्रेटर है, उसी तरफ से हम इसे ग्रेट करेंगे। और जो इसकी गुठली होती है उसे हम अलग हटा कर रख देंगे। आप चाहें तो उस गुठली का कोई और चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, ये जो आम है इससे हमने ग्रेट कर लिया है और देखिए इस तरीके से इसके लच्छे निकल कर आए हैं। तो इसे अब हम एक साइड रख देते हैं और गैस पर एक पैन हमने चढ़ा दिया है और गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है। और अभी हम चटनी में जो मसाले डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच के करीब साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून हमने सौंफ ले ली है, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर मेथी दाना ले लिया है, 1/4 टीस्पून के करीब हम ले लेंगे जमाइन, 1/4 टीस्पून के करीब हम लेंगे कलौंजी, जिसे मंगरैल भी कहते हैं, और यहाँ पर हम 2 लाल मिर्च भी इसमें डाल देते हैं। अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन मसाले को हमें लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, इसे हाई फ्लेम पर आप बिल्कुल ना भूनें, नहीं तो ये मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं और आपकी चटनी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, इसे अच्छे से पहले हम भूनेंगे, जब ये अच्छे से भून जाए इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हमें ठंडा कर लेना है और इसके बाद हम इस मसाले को पीस कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम गैस पर एक पैन चढ़ा देते हैं और हमने उसी पैन का यूज़ किया जिसमें हमने मसाले भुने थे। और गैस को अभी हमें ऑफ रखना है और इसमें हम डाल देते हैं जो ग्रेट किया हुआ कच्चा आम है वो हमने यहाँ पर डाल दी है, और फिर हम यहाँ पर डाल देते हैं चीनी।
तो यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब कच्चा आम लिया था, तो इसमें से छिलके और गुठली निकल जाने के कारण इसका वेट 50 ग्राम के करीब कम हो गया होगा। तो इसी हिसाब से हमने पूरा आधा किलो चीनी यहाँ पर नहीं ली है, बल्कि 450 ग्राम यहाँ पर हमने चीनी लिया। तो बस यही रेशियो है कि जितना आप आम ले उतना ही आप चीनी ले, और थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपका आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप 1-2 चम्मच चीनी आप अधिक ले सकते हैं। और सबसे पहले इसे हमें अच्छे से आम और चीनी को मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। इसके बाद हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे पकाना है। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और आम से भी अच्छा खासा जूस इसमें से निकल चुका है। और इसे बीच बीच में आप चलाते रहें, और चटनी में अच्छा कलर आने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर देखिए 1/4 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे, और इसे अभी हमें 5 मिनट तक करीब पकाना है। और ये जो सारे मसाले हमने बताए वो आधा किलो आम के हिसाब से ही बताएं। अगर आपको 1 किलो आम का बनाना है तो ये मसाले की जो हमने क्वांटिटी बताई उसे आप डबल कर दें। और इसे देखिए हम बीच बीच में चलाते जा रहे हैं, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार पकाना है। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक से इस चटनी का टेस्ट का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो नमक आप थोड़ा सा इसमें डालें, बहुत ज़्यादा नमक ना डालें। और देखिए इस चटनी का कलर कितना प्यारा आया है। इसी समय हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये देखिए आपको थोड़ा चटनी पतला लग रहा हो, लेकिन ये ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो गैस को हम यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं, और ऑफ़ करने के बाद हम ये जो मसाले पीस कर रखे हैं भुने हुए मसाले उसे हम डाल देते हैं, और डालने के बाद हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो अभी हम इसे ठंडा करेंगे, तो इसे पंखे के नीचे हम इसे रख देंगे, और इसे बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये चटनी जल्दी से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये चटनी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, और इसे हम बीच बीच में चलाते रह रहे हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और ये देखिए आपकी चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होगी। तो फ्रेंड चलिए इसे हम एक कटोरी में निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये कच्चे आम की चटनी की रेसिपी? अगर पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी रेसिपी को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको कटोरी में निकाल कर दिखाएं ये आम की चटनी कैसी बनती है। तो इसे आप चाहें तो एक कांच के जार में आप इसे बंद करके साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके के आप एक कांच के जार लें, और जितना क्वान्टिटी में आप चटनी बनाएँ उसी क्वान्टिटी के हिसाब से आप यहाँ पर जार लें और इसे